कुहार जय आदिवासी। अभी कुछ दिन पहले कल से एक वीडियो वायरल हुआ है दिनेश जी खनन का, जो जिनके पास में जहाँ फूल पधराने गए थे आदिवासी समुदाय के लोग, वो उनके पास शिकायत लेकर पहुंचे कि जो फूल पधराने की जगह है वहाँ पे भीड़ भड़ाका है और जो पंडित सेवक पुजारी है वो सारा अतिक्रमण करके बैठ गए हैं और हम पूजा करवा रहे हैं तो हमारे से मन मर्जी फीस वसूली जा रही है, पैसा लिया जा रहा है। तो दिनेश जी वहाँ पर पहुंचे और इस प्रकार कुछ बातें हुई और उनमें आमने सामने हुआ और उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तब दिनेश जी ने आक्रोश में आके उनके सामने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो वीडियो वायरल हो गया। और उसके बाद में एक वीडियो और वायरल हुआ है विप्र फाउंडेशन का, कोई पदाधिकारी हैं वो दिनेश जी खानन को गुंडा बता रहे हैं, न जाने क्या क्या पदवी दे रहे हैं और वो एक्ट्रोसिटी एक्ट जैसी बातें कर रहे हैं। तो दिनेश जी खानन के नौकरी के ऊपर भी सवाल निशान लगा रहे हैं। दिनेश जी खानन हमारे समाज के सभ्य व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं। अगर उनके साथ में किसी प्रकार की खरोच होती है, उनके साथ में कोई अभद्र व्यवहार होता है, तो संपूर्ण जिम्मेदारी विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी की रहेगी। और मैं हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नारियल हवन पाठ पूजा जो भी घर में करवाते हो वो तो हमारे मेट कोटवाल भगत करते हैं, तो वहाँ जाके उनके पीछे क्यों लगे रहते हो? एक मेट कोटवाल भगत ले जाओ, उनसे पूजा करवाओ और आपके फूल पधराने का काम वहाँ कर दो। और जिला प्रशासन और वहाँ मेला कमेटी से मेरा मेला प्राधिकरण जो भी है उनसे मेरा निवेदन है कि जो आपका घाट बना रखा है वहाँ से इन लोगों को हटाओ और दूर बिठाओ, क्योंकि वहाँ लोग इतने लोग आते हैं और आप लोग वहाँ भीड़ भड़ाके में कोई हादसा होने की संभावना रहती है। तो दिनेश जी खानन के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगाया है वो निराधार है, झूठा है, बेकार है। अगर दिनेश जी खानन के ऊपर कोई एक्शन वैक्शन होता है और कोई उनको खरोच भी मारता है तो निश्चित रूप से पूरा आदिवासी समुदाय आंदोलित होगा, पूरा बिल प्रदेश रस्तों पे उतरेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रह सकती है, सरकार की रह सकती है और विप्र फाउंडेशन की होगी। इसलिए विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी ने जो वीडियो वायरल किया है उससे कोई आक्रोशित होकर हमारे दिनेश जी खानन के ऊपर कोई अटैक करे तो उसकी जिम्मेदारी भी विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी की होगी।